इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले स्विस 100 DD टेबलेट्स के बारे में। स्विस 100 DD टेबलेट्स का क्या यूज है, कभी इसको यूज किया जाता है, कितने देखो यूज किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या ग्रीनिश डालेगी और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए। तो स्विस 100 DD टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए आप ही, आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं स्विस 100 DD टेबलेट, जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप है उसकी MRP 159 यानी कि 159 रुपये करीब इसकी MRP है। स्विस 100 DD टेबलेट को एल्कम लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। स्विस 100 DD टेबलेट के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है सेफोडोक्सिन प्रोक्सीटोल 100 mg टेबलेट्स। स्विस 100 DD टेबलेट का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्विस 100 DD टेबलेट्स एक एंटीबायोटिक्स दवाई है जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। ये फेफड़ों के इन्फेक्शन में असरदार है, जैसे न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्स, कान, नेजल, साइनस, गले, तवसा, ये बैक्टीरिया को मारता है, जिसमें आपके लक्षणों को बेहतर बनाने में और इन्फेक्शन के इलाज करने में मदद मिलती है। स्विस 100 DD टेबलेट्स का इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्विस 100 DD टेबलेट्स का डोज और डोसेंस की बात करें तो इसका डोज और डोसेंस आपकी एज, वेट, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना, आपकी कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए। और इसका डोज और डोसेंस नॉर्मल तौर पर आफ्टर मिस रहता है, यानी कि टेबलेट्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। वे टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करिए। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं रही, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किए जा रहे हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि टेबलेट्स को अगर आप ओवरडोज लेते तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। स्विस 100 DD टेबलेट्स के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में हो सकता है रैशेस होना, मिचली आना, डायरिया, दस्त होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो स्विस 100 DD टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। डॉक्टर जितने बोले उतने दिन ही टेबलेट्स का इस्तेमाल करी, अपने मन से स्विस 100 DD टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करी। स्विस 100 DD टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क स्विस टेबलेट्स। स्विस 100 DD टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है, यानी कि सेफोडोक्सिन प्रोक्सीटोल्स 100 mg टेबलेट्स, वो एक एंटीबायोटिक्स दवाई है। यह बैक्टीरिया को बैक्टीरियल प्रोटेक्टिंग कवरिंग यानी कि कोशिका झिल्ली बनाने से रोककर बैक्टीरिया को मारता है, जो बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए नेसेसरी है। स्विस 100 DD टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से स्विस 100 DD टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो स्विस 100 DD टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताइए। स्विस 100 DD टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स या एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।